हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में टीसी, टीवीसी और टीएफसी के बारे में पढ़ा, इनके रिलेशनशिप क्लियर की। ठीक है जी बेटा, शुरुआत वहीं से कर देते हैं क्योंकि आज जाते टाइम कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं सुना कर जाएगा। इसको सुनाकर जाना ही जाना है। कल मैंने पूरा आधा घंटा सिर्फ ये 5 पॉइंट समझाने में लगा दिए, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर दूंगी मैं जाने तो। ठीक है जी। और बाबू, जब तुम मेरी जान ले सकते हो कि नहीं जी हमारे पेपर में आ रहा भैया कराओ, तो बेटा फिर अच्छा, तुम्हारे पेपर में आ रहा हम तो करा देंगे। तुम सुनो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये था कि टीएफसी कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद है बात। दूसरा पॉइंट टीसी और टीवीसी की शेप पर था, कैसी होती है बेटा इनकी शेप, लगभग इनवर्स शेप। ठीक है जी। क्यों होता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है, क्योंकि बेटा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता था अगर फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रह जाएं और वेरिएबल फैक्टर आप कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते चले जाओ, तो बेटा इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। बाबू सेम बात कॉस्ट में उल्टी हो जाती है, कॉस्ट बढ़ती है पहले डिक्रीजिंग रेट से, देन कांस्टेंट रेट से, देन डिमिनिशिंग रेट से। अब ये बात तो बेटा कल 20 मिनट में समझाई थी, मैं दोबारा नहीं इसको पल्ले ला सकता, जो मैंने बोल दिया बस बोल दिया, वीडियो देख लेना। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये था बेटा, तीसरा पॉइंट ये था कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी और टीएफसी बिल्कुल बराबर होते हैं, और देख भी रहा है बेटा एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, वजह भी थी ना बेटा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी भी जीरो होता है। जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट कहाँ इन करूंगी, कुछ भी नहीं इन करूंगी। ठीक है जी। चौथा पॉइंट जो मैंने बोला था मैं उसी हिसाब से बोलूंगा बेटा, टीसी और टीवीसी दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। वो पैरेलल क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि मैंने परसों भी बात की थी, कल भी बात करी थी, टीसी की सारी शेप टीवीसी की वजह से है। टीएफसी तो है कांस्टेंट, ये तो मेरे एग्जाम्पल में बारह 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 तो हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, सेम ही है। तो जो टीसी की सारी शेप है वो टीवीसी की वजह से ही होती है, इसलिए बेटा ये दोनों पैरेलल होते हैं और इनका वर्टिकल डिफरेंस बिल्कुल बराबर होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है और इक्वल्स टू टीएफसी होता है। बाबू टीसी बराबर था टीएफसी और टीवीसी के, अगर मैं ये कह रहा हूं टीसी और टीवीसी का डिफरेंस टीएफसी होता है, मैंने बोला इन दोनों का वर्टिकल डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, तो भैया हमेशा बराबर क्यों होता है? इन दोनों का वर्टिकल डिफरेंस टीएफसी के बराबर होता है और टीएफसी हमेशा बराबर था, बारह 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 बारह, तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं कि इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेम बात बेटा, फिफ्थ पॉइंट में मैंने ये बोली थी कि टीसी और टीएफसी का डिफरेंस, टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिफरेंस हमेशा टीवीसी के बराबर होगा, पर मैं यहां ये नहीं बोल सकता कि हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा टीवीसी के बराबर तो होगा, यहां बोल सकता था ना हमेशा टीएफसी के बराबर होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट था। यहाँ ये बोल यहाँ क्या बोल रहा हूँ बेटा, टीसी और टीएफसी का डिफरेंस हमेशा टीवीसी के बराबर होगा, पर मैं ये नहीं बोल सकता हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि टीवीसी कांस्टेंट नहीं होता। ये 5 पॉइंट मैंने रिवाइज कर दिए आपकी सहूलियत के लिए। इसके बाद मेरे पास आना, ये पूछने की इस पॉइंट में क्या था, कल यहां बैठ के खुद पढ़वाए 5 के 5 पॉइंट, प्रॉब्लम नहीं आई, आज किसी ने पूछी नहीं, 5 पॉइंट मैंने फिर रिवाइज कर दिए। ठीक है जी। कल का आधा घंटा, आज के 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दे सकते एक टॉपिक को। ठीक है ना जी, बस सुनना है तो मतलब सुनना है। अब आओ जी आगे की बात करते हैं, खत्म करते हैं। बाबू जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना कोई भी, अगर टोटल वर्ड आ रहा है तो एवरेज वर्ड भी आ रहा है और मार्जिनल वर्ड भी आ रहा है, हमेशा आ रहा है ना। तो बाबू हम टोटल कॉस्ट पढ़ चुके हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ चुके हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि टोटल वाली सारी बात कर चुके हैं। मैंने टीएफसी की बात भी कर ली, टीवीसी की बात भी कर ली और बेटा टीसी की बात भी कर ली। अब ऐसा तो नहीं सकता एवरेज में आए या मार्जिनल में आए, आज एवरेज छेड़ लेते हैं कल मार्जिनल भी छेड़ लेंगे और फिर चैप्टर खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे बेटा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एएफसी, एबीसी और एसी।
ठीक है जी। एवरेज फिक्स कॉस्ट, अरे बिल्कुल आसान है, मतलब खा जाएंगे इसको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे थोड़ी बोल दिया 10 मिनट में छुट्टी है, अब इससे 10 मिनट शुरू हो गए मेरे, वो तो मैंने रिवाइज कराया, 5 नहीं लगने के, 5 नहीं लगेंगे बाबू। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होती है बेटा? एवरेज, एवरेज निकालना है ना मुझे, कैसे निकालते हैं एवरेज बेटा? एएफसी को लोग डिफाइन करते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर देखना जी बेटा, एवरेज, एवरेज का मतलब पर यूनिट ही होता है, इधर देखो जी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट हो सकती है बेटा? टीएफसी को अगर मैं टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दूं, तो बेटा मेरी एवरेज कॉस्ट निकल जाए बेटा। ये कैसे डिफाइन होती है? एवरेज लिखा है ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल सकती है? टीवीसी को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, एवरेज निकल जाएगी बेटा। एसी पर यूनिट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टीसी अपॉन क्यू कर दो तो भी एसी निकल जाएगा, और यू में से एएफसी प्लस एवीसी ये भी बेटा एसी होता है। टीसी किसके बराबर था? टीएफसी और टीवीसी के। एसी किसके बराबर होगा? एएफसी और एवीसी के, ठीक है जी। या ऐसे निकाल लो टीसी अपॉन क्यू, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर? एएफसी, टीएफसी अपॉन क्यू, एबीसी, टीबीसी अपॉन क्यू, एसी, टीसी अपॉन क्यू, और यू में से एएफसी प्लस एबीसी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? फटाफट से बताओ, जल्दी क्लियर करो, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे, पक्का से कर्व पे डिस्कशन करो, खत्म हो गया टॉपिक। सर ए एफ सी का कर्व कैसा बनेगा? इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ देखना प्लीज, एक मिनट के लिए सामने देखो, अभी मत नोट्स की तरफ मत देखो, गड़बड़ मत कर देना यार, तो मैं नहीं पता ना कोई चीज के सीक्वेंस में होनी है, आप मेरी तरफ देखो बेटा। टी एफ सी के हालात क्या थे? टी एफ सी तो बेटा नाम ही ऐसा है, दिस प्रोसेस फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, हमेशा बराबर है ना। अगर मैं AFC निकाल रहा हूं किसके बराबर है? TFC अपॉन आउटपुट, TFC अपॉन आउटपुट, एवरेज ऐसी तो निकलेगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर ये कॉस्ट कांस्टेंट है जो कि दिखाई दे रही है और आउटपुट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो FC हमेशा गिरता ही नहीं रहेगा। देखो 12 डिवाइडेड बाय 0 ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 4। भाई अगर ये कॉस्ट फिक्स्ड है और आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है, न्यूमरेटर एक जैसा है और डिनोमिनेटर बढ़ाए जा रहे हो, गिरेगी नहीं क्या कॉस्ट? दिखाई दे रही है गिरती हुई है? अरे भैया नहीं दिख रही गिरी हुई, तुम्हारी तरह तो है। अच्छा ओहो, क्या बोल दिया भाई, सच कहां से निकल गए मुंह से? बाबू दिख रही है ये कॉस्ट गिरती चली जा रही है, पक्की बात दिख रहा है कॉस्ट गिरती चली जा रही है तुम्हारी तरह? बहु जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, सर ये तो पक्का पता है ना कर्व कैसा बनेगा, कैसा बनना चाहिए? नेगेटिवली स्लोप्ड होगा कि नेगेटिव, बताऊ अभी तो ये ही नहीं याद आने का। अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज गिर रही है, अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा होता है भैया, ये बताओ थोड़ा सा पढ़े लिखे। नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से लेकर जब राइट तक आओगे नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व दिख रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। आपने कर्व बनाया बेटा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा कर्व बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सब सीखेंगे मैथ्स आज, ठीक है जी। टीएफसी की शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीबीसी और टीसी शेप इनवर्स एस शेप्ड कर्व, ये एक और आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। ऐसा नहीं लगता बम धमाका होने वाला कहीं, हाइपरबोला, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? चलो मुश्किल बात कर ही लेते हैं यहां पर, क्या
नहीं, वो हो सकता है लेकिन मैथमेटिकल टर्म है। तुमने भी पढ़ी 11th में मैथ्स में, तुम्हारे पास कॉनिक सेक्शन चैप्टर है, हटा घट गया होगा। कॉर में, कॉर मैथमेटिक्स में। मैंने कॉर पढ़ी हुई है भाई, मेरे टाइम तक अप्लाइड नहीं होती थी, ठीक है ना। तो वहां पर हाइपर वाला टॉपिक होता था, तो कहेगा जब कहेगा मैं तब नहीं पढ़ाऊंगा तुझे, ठीक है। नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब मैथ्स की टर्म है बाबू। ऐसी शेप होती है हाइपर वाला की, तो बाबू इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर वाला। अब मैं एक मुश्किल बात करने जा रहा हूँ, प्लीज सब सामने देखेंगे बेटा। किसी भी हालात में AFC, किसी भी हालात में AFC ना ही वाई एक्सेस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सेस को टच करेगा। बच्चे ना डायग्राम बनाते हैं सब भूल जलूल हरकतें करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशली। ना ये कभी भी वाई एक्सेस को टच करेगा ना ही एक्स एक्सेस को टच करेगा। रीजन बता, देखो बेटा बड़ा सिंपल सा रीजन बताऊं। देखो अगर बेटा ये यहां टच कर जाए एक्स एक्सेस को, किसी भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर, 6 पर 7 पे, 8 पर 9 पर, अगर मान लो टच कर जाए, टच करने के लिए यहां पर 0 होना जरूरी है इस कॉस्ट को। जब ये कॉस्ट 0 होगी तभी तो टच कर सकता है। सर आप वाई एक्स एक्सिस को टच कब कर सकते हो अगर 0 होगा? 0 ही तो है, ये ओरिजिन ही तो है। अगर ये कॉस्ट 3 थी तो आपने 3 करी, अगर ये 1 होती तो 1 करते, अगर ये 0 होती तो 0, यही तो होता है एक्स एक्सिस पे। बेटा ये कॉस्ट कभी 0 हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। डिवाइड करते चलते हो, 0 करके दिखाओ मुझे। जब ये 0 नहीं हो सकती कभी एक्स एक्सिस टच होगा, मतलब पहले तो ये तय कर, नहीं होगा पक्की बात। और बाबू एट 0 आउटपुट ये कॉस्ट इनफिनाइट है, एट 0 आउटपुट ये कॉस्ट इनफिनाइट है। इनफिनाइट कहां प्लॉट करूं भाई? तो वाई एक्सिस भी टच नहीं हो सकता, ना एक्स एक्सिस टच हो सकता, ना वाई एक्सिस टच हो सकता। टच करता हुआ कोई ना बना दे। क्लियर हो गया? शेप कैसी है एफसी की? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी, बम धमाका, ठीक है। और दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा, लॉजिक बता दिया। एक्स एक्सेस को टच होने के लिए 0 होना पड़ेगा, 0 होती नहीं। वाई एक्सेस को टच करने के लिए सर अवेल इनफिनाइट कहां है, कहां प्लॉट करूं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ सकते हैं पक्का से? बेटा मेरी तरफ देखना प्लीज। बेटा पीवीसी कैसा होता था, कैसी होती थी ये कॉस्ट? 0 आउटपुट पे 0, फिर कहीं कुछ कॉस्ट होती थी, फिर ये कॉस्ट गिरती थी, फिर ये कहीं कॉस्ट बढ़ रही थी, और बढ़ रही थी तो फिर बहुत बहुत बढ़ रही थी, कुछ ऐसा सवाल आता है ना। ये क्यों हो रहा था? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। शुरू में ये कॉस्ट कुछ ना कुछ थी एक आउटपुट पे, फिर सेकंड पे कम दिखाई देती थी ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू वेक्टर, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू वेक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू वेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती भी दिखाई देती है। मैंने तीसरा स्टाफ रख लिया, चौथा स्टाफ रख लिया, पांचवा छठा रख लिया, काम कुछ कर नहीं रहे, मेरी सैलरी बराबर जा रही है, तो मुझे कॉस्ट बढ़ती भी दिखती है। कल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था तो, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ प्लीज, मेरी तरफ देखते रहना बेटा। अगर ये कॉस्ट कहीं पर कुछ थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ गई, सेम सिचुएशन एवरेज में भी तो होगी, कुछ कॉस्ट होगी फिर गिर रही होगी और फिर बढ़ रही होगी। ये देखो, ये मैं प्रूफ भी कर देता हूं, सिर्फ ऐसे हवा हवाई बात नहीं। लो जी ये देखना, यही था शेड्यूल टीवीसी का, मैंने भी अभी यही बना। ये रहा आउटपुट, करो जी डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 0 कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, 6 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 2, 15, ब्ला 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 ब्ला। कहीं ये कॉस्ट है, फिर कॉस्ट गिर रही है और फिर ये कॉस्ट बढ़ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कहीं ये कॉस्ट है, फिर गिर रही है और फिर बढ़ती ही चली जा रही है, सेम ही तो आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर कर्व कैसा होगा दिखने में? सर यू शेप्ड कर्व होगा, कहीं ये कॉस्ट है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है। चंदा है तू, कैसी कॉस्ट है बेटा? तो सॉरी कैसा शेप है बेटा? यू शेप कर, ठीक है जी। कहीं कोई कॉस्ट है, गिर रही है,
और फिर बढ़ रही है, प्लॉट करोगे तब भी यही आएगा एबीसी। ठीक है बाबू, व्हाट अबाउट टीसी? एक बात बताओ, पहले मेरी तरफ देखना फटाफट से बेटा, टीसी की शेप किसकी वजह से होती है? टीसी की शेप किसकी वजह से होती है? टीबीसी की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो फिक्स ही है ना। बेटा सेम बात अगर मैं आपको बोलूं, एसी की सारी शेप ना एबीसी जैसी ही होगी। अगर इसको शेप देने वाला ये है, इसको भी शेप देने वाला ये है। देखो देख भी लो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैंने अभी कैलकुलेट करा एफसीबी एबीसी भी है ना। एसी किसके बराबर होता है? चाहे तो कर लो टीसी डिवाइडेड बाय द आउटपुट, चाहे बेटा इन दोनों का समेशन कर लो, वो भी तो बात वही है। मैंने इन दोनों का सम करता चला गया, ठीक है जी, सम कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो। हाँ ये देखो, कहीं ये कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिर रही है, 18 के बाद 11 का आना, 11 के बाद 9 का आना, गिर रही है, और फिर कहीं ये कॉस्ट बढ़नी शुरू। सेम जो बात जो बेटा एबीसी में बोली, कहीं ये कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिर रही है, और फिर ये कॉस्ट बढ़ रही थी। सेम बात यहाँ है, कहीं ये कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिर रही है, फिर ये बढ़ती शुरू हो गई। अगेन शेप कैसी होगी? समझदार को इशारा काफी। अगर मैंने बोल दिया इसकी शेप ही इससे डराइव कर रहा है, कहीं कॉस्ट है गिर रही है फिर बढ़ रही है, कैसी शेप होगी? यू शेप कर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? टीएफसी की शेप बतानी, फटाफट से शेप बताओ। कुछ नहीं बता गया अभी तक, आते हाइपर बोला नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीबीसी और टीसी की शेप इनवर्स एस शेप। टीसी अपनी पूरी शेप किससे डराइव करता है? ठीक है बेटा, एएफसी की शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद नहीं आने का तो। क्यों? थोड़ा सा ध्यान ना यहां भी रखा करो, कार्य है फिक्स्ड है, 12 12 12 है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। अरे यार एक चीज फिक्स है, न्यूमरेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर बढ़ाए जा रहे हो, डिवाइड जिससे कर रहे हो वो बढ़ाए जा रहे हो, अरे गिर नहीं रहा होगा क्या? एफसी हर हमेशा गिरता चला जाता है, जब गिरता चला जा रहा है एक तो इनवर्स कर तो आएगा, इनवर्स शेप तो आएगा, लेफ्ट से राइट आते आते गिरेगा, पर ये कैसे गिर रहा होगा बेटा? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। दोनों एक्सिस टच नहीं कर सकता एएफसी ना, जीरो होता इनफिनाइट कहीं प्लॉट करने के लिए नहीं होता, टच नहीं होगा दोनों में से कोई भी एक्सिस। बेटा एबीसी कैसा होगा? बेटा यू शेप्ड कर्व होगा, किसकी वजह से होगा? टीबीसी की वजह से। टीबीसी क्या, कहीं कोई कॉस्ट आती है फिर गिरती है फिर बढ़ती है, सेम उसकी एवरेज आएगी। कहीं कॉस्ट आएगी, मिस्ट्री सामने देखो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ वो आप इग्नोर कर देते हो। बेटा इसकी शेप केस कैसे है? कोई कॉस्ट है, गिर रही है, बढ़ रही है, सेम अगर एवरेज निकालूंगा वही हालात है। कॉस्ट है, गिर रही है, बढ़ रही है, कॉस्ट है, गिर रही है, बढ़ रही है, ठीक है जी। बाबू टीसी ने अपनी शेप किससे डराइव करी? टीबीसी से। एसी अपनी शेप किससे डराइव कर रहा है? एबीसी से। बेटा कॉस्ट गिर है, गिर रही है, बढ़ रही है, ठीक है जी। यू शेप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनवर्स एस शेप पर। अरे मुझे नहीं लगता इसका स्लो चल सकता हूँ, तो मुझे लग सकता है इससे ज्यादा डिटेल समझाया जा सकता है, जितना डिटेल समझाया जा सकता है मैं सारा समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं रखते, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।